अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं एजट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परमानेंट डिसेबल फेसबुक अकाउंट को आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। इस तरह का मैसेज जब आप लोगों को जीमेल पे आता है फेसबुक टीम की तरफ से, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा यूर अकाउंट हैज़ बीन परमानेंट डिसेबल फॉर नॉट फॉलोइंग द फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड, दिस इज़ आवर लास्ट मैसेज। तो आप घबरा जाते हैं। दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने डिसेबल फेसबुक अकाउंट को आप बहुत ही आसानी के साथ रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके पास आईडी कार्ड होना मस्ट है। आईडी कार्ड पे आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए ताकि आपकी आइडेंटिटी फेसबुक टीम को कन्फर्म हो जाए और आपका डिसेबल फेसबुक अकाउंट अनलॉक हो जाए, अनडिसेबल हो जाए और आसानी के साथ रिकवर हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से डेली करता हूं, अगर चैनल पे नहीं हुए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें लेटेस्ट और हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों जब दोस्तों आप लोगों के पास इस तरह का मैसेज आ जाता है फेसबुक टीम की तरफ से, तो समझ लेना कि आपका फेसबुक अकाउंट परमानेंट डिसेबल हो गया है। दोस्तों तो आप लोगों ने घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप लोगों ने एक जस्ट अपील करनी है फेसबुक टीम को, और वो अपील आप कैसे कर सकते हैं, कौन से आप ईमेल यूज़ कर सकते हैं फेसबुक के, जिसको लिंक्स को तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि फेसबुक के लिंक्स काम नहीं करते, जो कि डिसेबल लिंक है वो तो काम नहीं करते। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करना है, और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने जिस ईमेल से आप लोगों ने फेसबुक टीम को अपील करनी है वो ईमेल मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोगों ने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। आसानी के साथ अपने डिसेबल फेसबुक अकाउंट को आप रिकवर कर सकते हैं। एक छोटी सी अपील आप लोगों ने फेसबुक टीम को करनी होगी दोस्तों कि विदाउट रीज़न मेरा फेसबुक अकाउंट क्यों डिसेबल किया गया है, ऐसी कौन सी रीज़न है। मैं फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करता हूँ, कोई ऐसी इलीगल और पोस्ट नहीं करता जो फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ हो। तो दोस्तों इस तरह कुछ अपील में आए आप लोगों के सामने लिखने वाला हूँ, बस वो अपील आप लोगों के जस्ट कॉपी पेस्ट करना है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है। सही है दोस्तों, अपील कैसे सेंड करनी है, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन सही तरीका आज मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं सही तरीका बता चुका हूँ लेकिन कुछ दोस्तों को अभी भी प्रॉब्लम है। 90% लोग अभी भी दोस्तों डिसेबल, परमानेंट डिसेबल और वी रिसीव यू इन्फॉर्मेशन, रिव्यूइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ इस तरह के दोस्तों आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो, तो इसी तरह अपील करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। परमानेंट डिसेबल एक होता है परमानेंट डिसेबल फेसबुक अकाउंट, और एक होता है दोस्तों टेम्परेरी डिसेबल फेसबुक अकाउंट, तो दोनों का आप आसानी के साथ रिकवर कर सकते हैं। एक जस्ट अपील आप लोगों ने करनी होगी फेसबुक टीम को, तो सब्जेक्ट में आप लोगों ने लिखना है परमानेंट डिसेबल अकाउंट केस, और नीचे अपील में आप लोगों ने लिखना है सर माई ऑफिशियल पर्सनल फेसबुक अकाउंट वॉज परमानेंट डिसेबल, सर आई फॉलो फेसबुक कम्युनिटी रूल्स, यस सर आई फॉलो फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइन रूल्स, सर माई आइडेंटिटी इज़ कन्फर्म विद माई आईडी कार्ड या फेसबुक अकाउंट। सही है दोस्तों, यानी आइडेंटिटी कन्फर्म है, नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम है, तब भी मेरे फेसबुक अकाउंट को परमानेंट डिसेबल कर दिया गया, ऐसी कौन सी रीज़न है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखिए। अपील आप लोगों ने कुछ इस तरह की लिखनी है दोस्तों, कॉपी पेस्ट आप तब ही करना दोस्तों, पहले आप वीडियो को देखें उसके बाद कॉपी पेस्ट करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आगे आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे रिकवर करें, परमानेंट डिसेबल फेसबुक अकाउंट को कैसे रिकवर करें। अपील करने का भी एक तरीका होता है दोस्तों। सही है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें।
दोस्तों लास्ट में आप लोगों ने लिखना है थैंक्स फेसबुक टीम, अपील लिखी आप लोगों ने लास्ट में थैंक्स फेसबुक टीम, और नीचे आप लोगों ने दोस्तों अपना ईमेल, अगर आपका फेसबुक अकाउंट ईमेल पे तो ईमेल लिख दिया, अगर आपका फ़ोन नंबर पे तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, फुल नेम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे है, नेम सही है दोस्तों आपके अकाउंट वाला नेम नहीं दोस्तों, जो आपकी आईडी कार्ड पे है, जो अभी आईडी कार्ड आप सेंड करेंगे फेसबुक टीम को, अपील सेंड कर रहे हैं दोस्तों, अपील में आईडी कार्ड मस्ट है, नेम डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए अकाउंट के साथ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसको फिल कर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री, तो मैंने ये फिल कर दिए दोस्तों। उसके बाद सिंपल सा मैंने, अब दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने अटैच फाइल में ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है, माय पर्सनल फेसबुक अकाउंट वाज डिसेबल, सही है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है, तो आईडी कार्ड पे आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल सा इसको कर देना है सेंड फेसबुक टीम को, तो ये मेरा मैसेज सेंड हो गया फेसबुक टीम को, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मैसेज सेंड हो गया है फेसबुक टीम को दोस्तों। 24 घंटे वेट करना है फेसबुक टीम की तरफ से एक रिप्लाई आएगा आप लोगों को जीमेल पे, सही है दोस्तों, इस तरह का कुछ रिप्लाई होगा आप लोगों के पास भी आ रहा होगा दोस्तों। तो मैं जल्दी से जीमेल को ओपन कर देता हूँ, इस तरह का कुछ रिप्लाई आएगा दोस्तों आप लोगों के पास, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर आईडी, थैंक्स फॉर सबमिटिंग, थैंक्स फॉर कन्फर्म योर आइडेंटिटी, वी अनलॉक योर अकाउंट। तो इसी तरह दोस्तों आप डिसेबल फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अल्लाह।